Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science, ये जो हमारी light chapter की series चल रही है, हम उसको ही आगे continue करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. अभी तक बेटा हमने plane mirror की बात की थी, अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप के mirrors के, जिनको हम बोलते हैं spherical mirrors. ठीक है, spherical mirrors और plane mirrors में difference है, वो हम अभी देखते हैं क्या है. अभी देखो, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनके इन मिरर्स के बीच में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे वो कर्व्ड होंगे. अब जैसे हमने प्लेन मिरर्स में डिस्कस किया था, उनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो प्लेन होते हैं. तो ये जो, जैसे इनका नाम है स्फेरिकल मिरर्स, तो ये स्फेरिकल मिरर्स का जो है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वो कर्व्ड होगा. बेसिकली ये क्या होता है, ये जो कर्व्ड सर्फेस होता है, ये एक, आप इसको इजीली कर सकते हो, एक जैसे सर्कल है, सर्कल को आपने बीच में से कट कर दिया तो टू स्फेयर्स बन जाएंगे. वो जो टू होलो स्फेयर्स बन जाएंगे वो उस तरह के होते हैं ये मिरर्स. ठीक है, ये जो मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो होलो स्फीयर से बनते हैं. तो ये हर जो आपका स्फेयर है उसके टू, जब आप टू पार्ट्स में कट कर दोगे तो टू हेमीस्फेयर्स बन जाएंगे. तो वो जो टू हेमीस्फेयर्स बनेंगे वो आपके दो तरह के कर्व्ड मिरर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो जो इनर कर्व्ड सरफेस, जिसका अंदर की साइड होगा, कर्व्ड सरफेस जिसका अंदर की साइड को होगा उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसका आउटर को कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको हम कन्वेक्स बोलेंगे. ठीक है, एक सर्कल है उसको आपने दो, या एक स्फेयर को आपने दो पोर्शंस में कट कर दिया. जो अंदर की साइड का स्फेयर, जो कर्व पोर्शन होगा, जहाँ की जिसके अंदर की साइड को होगा उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसकी कर्व सरफेस बाहर की साइड को होगा उसको आप कन्वेक्स बोलोगे. ठीक है, ये हम आगे डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो इन, ये जो आपकी इमेजेस बनेंगी इन मिरर्स के, ये स्फेरिकल मिरर से, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो अपने प्लेन मिरर से देखी थी इमेजेस. वो क्यों डिफरेंट होगी, जो प्लेन मिरर जो है वो, उसमें आपके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, और जो कर्व्ड कर्व्ड मिरर्स हैं या स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके बीच में आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं वो कर्व्ड होंगे. तो जो आपकी प्लेन मिरर्स में जो आपकी इमेज बनती थी, ऑब्जेक्ट के जितने ही इमेज बनती थी, पर ये आप जो स्फेरिकल मिरर्स में, आप जब आप पूरा पढ़ लोगे चैप्टर तो आपको समझ आएगा, इसके बीच में जो आपकी इमेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती हैं, मींस मैग्नीफाइड, और छोटी भी हो सकती है, मींस स्मॉल. ठीक है, उस साइज से बड़ी, उस साइज से छोटी भी आपकी हो सकती हैं. वो हम इसमें स्फेरिकल मिरर्स में डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर्स में सेम साइज की बनती हैं. ठीक है बेटा, तो अभी हम ये बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में. जो मैंने आपको बताया, एक स्फेयर के दो हेमिस्फेयर्स में एक की इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक का बाहर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. तो अब जो हमने देखना है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से हमारे को रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जहाँ पे हमारे को इमेज बनेगी, अगर वो आपकी इनसाइड द स्फेयर और कनकेव है. ये देखो, अगर आपके स्फेयर के अंदर आज जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और अगर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो वो आपको बोलते हैं बल्ज्ड या कन्वेक्स मिरर, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है, कनकेव मिरर कौन सा होगा जिसकी आपकी इनसाइड जो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. जब इनसाइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इसका मतलब बाहर वाली साइड उसके पॉलिश की गई है, और जो वो आपका होगा कनकेव मिरर, और जिसकी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड को बाहर वाला होगा, उस केस में आपकी इनर पॉलिश होगी. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ें आपकी, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी और जहाँ पे आपकी पॉलिश होगी, वो दोनों आपकी ऑपोजिट होंगी. ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि उसकी पॉलिश ऑपोजिट साइड में हो रही है, आपने पेपर में नहीं लिखना है. ठीक है,
नाउ कम्स जो इसकी आपको बहुत अच्छी और बहुत इजी एग्जांपल, जो आप डेली रूटीन में आप देखते भी हो। आप स्पून से खाना खाते हो, अगर आप स्पून देखो, स्पून की अंदर वाली साइड जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका अंदर वाली साइड होता है, तो उसको आप कनकेव मिरर की एग्जांपल दे सकते हो। और जो आपकी आउटर साइड होती है वो आपका बल्जिंग सरफेस होता है, तो उसको आप कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें आपकी कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, तो उसकी आपकी एग्जांपल क्या आएगी? स्पून के, स्पून का फिर आपने बताना है स्पून का जो इनर सरफेस स्पून का एक कैसे करता है, वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो आपका आउटर सरफेस है उसको आप कन्वेक्स मिरर की तरह वो काम करता है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारी बारी आती है, बात आती है कनकेव मिरर की। अभी हम इसमें टू टाइप्स ऑफ मिरर्स है स्फेरिकल मिरर्स में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अभी हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, मीन्स स्पून के इनर पोर्शन की, इनर साइड की स्पून की, जो हमारा कनकेव मिरर की तरह काम करता है। ये मैं आपको पूरा जो आपको कनकेव मिरर समझा रही हूँ, इसमें आप इसको स्पून की एग्जांपल लेके अगर आप समझोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने इसमें ये पिक्चर मैंने बनाई भी है कि ये जो आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, स्पून में ऐसे ही होता है ना, अंदर वाला होता है, मीन्स इसकी पॉलिश जो हुई है वो बाहर वाली साइड है। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने बताना नहीं है, एग्जाम में पॉलिश की बात नहीं करनी है। सिर्फ जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो अब मैं आपको किससे कोट कर रही हूँ, आपका स्पून का इनर पोर्शन, इनर साइड से आप हम बात कर रहे हैं, और जो मैं आपको इसमें समझाऊंगी आप स्पून की इनर साइड को लेके ही प्लीज़ आप उसको रिलेट करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये देखो, जो इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। अगर आप स्पून के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, क्लोज रखते हो, तो वो आपको वर्चुअल इमेज नज़र आएगी, इरेक्ट नज़र आएगी, सीधी नज़र आती है, और आपको मैग्नीफाइड मीन्स थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी। अब कितनी बड़ी नज़र आएगी, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये है कि बड़ी नज़र आएगी वो। ठीक है, ये वर्चुअल है, जो आप किसी, अगर आप उसको मिर आपको उस पर स्पून के इनर साइड में आपको नजर आएगी, पर आपकी स्क्रीन पे आपको आप वो नहीं नजर आएगी। राइट, देन कम्स, अगर हम वही इमेज को कनकेव मिरर्स के थोड़ा सा दूर ले जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बोली मैंने, पहले प्लास किया था आपने कनकेव मिरर के बिल्कुल पास था ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा उससे दूर ले जाओ, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज आपकी बनेगी वो आपकी रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज मीन्स आपकी स्क्रीन पे भी बन जाएगी, और एक आपकी इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स ऑपोजिट बनेगी, उल्टी बनेगी। देन कम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी बनेगी, सेम कितनी बड़ी बनेगी, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। देन कम्स थर्ड, अगर आपकी इमेज जो है कनकेव मिरर से, ऑब्जेक्ट जो है अगर आप बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो, पहला केस था पास कर रखते हो तो वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है, सेकेंड केस था जब आपका थोड़ा सा दूर रखते हो, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट अगर आप दूर रखते हो तो इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनती है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रख देते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अभी हमने रियल और इन्वर्टेड पढ़ा, पर इसमें क्या है, जो इमेज है वो छोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा दूर रखते हो तो कनकेव मिरर के केस में वो इमेज आपकी बड़ी की बजाय छोटी बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लेन मिरर में हमारी सेम साइज़ की बनती है, पर ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर और यू कैन से स्फेरिकल मिरर्स में आपकी जो है वो इमेज बड़ी और छोटी बनेगी। तो ये मैंने आपको बताया कनकेव मिरर में कैसे बड़ी और छोटी बन रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रखोगे तो वो छोटी बनेगी,
अगर आप पास रखोगे और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर करोगे, तब वो मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी नज़र आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कम्स, नाउ कम्स यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अभी तक तो हमने बात की कनकेव मिरर क्या होता है उसकी, अब हमने उसकी यूजेस की बात करनी है कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। अब ये देखो, जो कनकेव मिरर है ये आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, या ENT स्पेशलिस्ट आपका देखते हैं, वो किस लिए यू काम करते हैं, डेंटिस्ट ने या ENT स्पेशलिस्ट ने आपके ईयर्स में या आपके माउथ के अंदर जो देखना होता है कि आपके, अगर आपके टीथ्स देखने हैं या कुछ देखना है, उस केस में वो आपके कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर इमेज नहीं रखते, इतनी दूर आपकी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूर नहीं रखते, तो आपकी इमेज जो है वो बहुत मैग्नीफाइड नज़र आती है। तो आपका डॉक्टर कैन इजीली डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद द पेशेंट। ठीक है, देन कम्स कनकेव मिरर्स जो है आपके सोलर फर्नेंस में यूज़ होते हैं। सोलर फर्नेंस में क्या है, ये आपका सोलर कुकर की तरह ही होता है। उस केस में क्या होता है, जो आपका कनकेव मिरर क्या करता है, जो आपकी डिफरेंट बहुत सारी रेज जो आपके ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है। ठीक है, तो ये कहाँ से फोकस होते हैं, कनकेव मिरर से। देन कम्स कनकेव मिरर इज आल्सो यूज एज अ बार्बर्स मिरर। बार्बर आप कटिंग कराने के लिए जाते हो, सलून में जाते हो, वहाँ पे जो बार्बर मिरर यूज़ करता है वो कनकेव मिरर यूज़ करता है। तो उससे क्यों, वो उसमें उसकी क्या हेल्प है कि वो जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड करके दिखाता है, आपको बड़ा करके दिखाता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक करोगे। सो इन केसेस में आपका जो कनकेव मिरर है वो यूज़ होता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।